नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर के आज सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं, छात्रों के सम्मान के लिए इस पर चर्चा जरूरी है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। स्टूडेंट्स हैं, उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने, प्लीज ओके, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं। नीट मामले पर कांग्रेस की मांग पर शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद ने कहा है कि इसमें एनडीए सरकार खुद संज्ञान ले रही है, छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और इसमें कार्रवाई भी हो रही है और जांच भी की जा रही है। एनडीए सरकार खुद जो है संज्ञान ले रही है और आप सभी जान ही रहे हैं कि छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और हमारी सरकार जो है इसमें पूरा संवेदनशील है और इसमें कार्रवाई भी हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई की जांच भी हुआ, डीजी को निलंबित भी किया गया, बहुत सारे अरेस्ट भी हो रहा है, बहुत सारा तार कहाँ कहाँ है वहाँ हमारी सरकार में जो भी जहाँ है मुख्यमंत्री जी वो सारे लोग एक्शन ले रहे हैं, तो इसमें उस वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो आप देखें कि तेजस्वी यादव के पीए का भी नाम आ रहा है, तो क्या करिएगा। नीट मामले पर कांग्रेस की मांग पर खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने कहा है कि एनडीए सरकार युवाओं को लेकर संकल्पित है और इस मामले में सख्त कार्रवाई भी होगी। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और कल राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने संबोधन में पूरे स्पष्टता से इस बात को कहा कि नीट और पेपर लीक का जो मसला है उसको एनडीए पूरी गंभीरता से लेते हुए जो सख्त से सख्त कार्रवाई है ना हम लोग वो सुनिश्चित करा रहे हैं, बल्कि इसको लेकर जो कानून भी बनाने की प्रक्रिया उस पर भी हम लोग काम शुरू करेंगे। तो जब खुद महामहिम ने इस बात को कह दिया तो इसका ये मतलब स्पष्ट है कि हम लोग खुद उन चीजों को लेकर और हमारे नौजवान साथियों को लेकर, युवाओं को लेकर बहुत अब पूरी सरकार जो है वो संकल्पित है और उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है वो करने का काम सुनिश्चित करेंगे।